बाकी सरकार की जो योजनाएं आती हैं उस योजनाओं का मूल भावना क्या है, उसका मूल उद्देश्य क्या है। हमारी केंद्र की सरकार बहुत तरह की योजनाएं लागू की हैं। आज काराकाट मंडल का कार्यकारिणी का जो बैठक हुआ उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक 3 माह पर राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक करती है, उसके बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है, फिर जिला कार्य समिति की बैठक, तदोपरांत जो है सभी मंडलों की बैठक होती है कार्य समिति की। तो आज काराकाट मंडल के की जो है कार्य समिति की बैठक हुई और उसमें कई प्रस्ताव आए। उसमें मूलतः बूथ को सशक्तिकरण करने के लिए और बूथ के लोगों को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव आया, ताकि सरकार की जो योजनाएं आती हैं उस योजनाओं का मूल भावना क्या है, उसका मूल उद्देश्य क्या है। हमारी केंद्र की सरकार बहुत तरह की योजनाएं लागू की हैं जिसका लाभ सीधे मिला है। एक घर में जितनी चीज़ें की जो चीज़ों की जरूरत होती है वो सारा कार्यों की प्रतिपूर्ति उन योजनाओं से होती है। जैसे स्वच्छता योजना है जिससे शौचालय बना है, उज्ज्वला योजना है जिससे गैस आवंटित हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उजाला योजना से लाइट मिली है, राशन योजना है, इस तरह की कई योजनाएं, जनधन योजना है, बहुत सी योजनाएं हैं जो लोक कल्याणकारी है, उससे गरीबों को लाभ मिला है। तो उन बातों को बतलाना और बूथ को मजबूत करना, ताकि उसका उन बातों को समझकर हमारे प्रति नागरिकों का आकर्षण बढ़े, हमारे प्रति समर्थन बढ़े, इस तरह से बूथ के सशक्तिकरण की प्रस्ताव पास हुआ। उसके अलावा हमारे यहाँ राष्ट्रीय पदाधिकारी सभी मोर्चा के एक एक किसान मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी आने वाले हैं, उनकी कई जगह कार्यक्रम निर्धारित है, लाभार्थी योजना के लाभार्थियों से संवाद, जनप्रतिनिधियों से संवाद, कार्यकर्ताओं से संवाद, किसानों से संवाद, इस तरह से कई कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर रखा गया है। उसके विषय में जानकारी देते हुए ये प्रस्ताव पास हुआ कि उनका सही स्वागत हो, कार्यक्रम सफल हो, इस तरह का प्रस्ताव इस कार्य समिति में पास हुआ और कार्य समिति का की प्रस्तावना बहुत सफल रही, कार्यक्रम बहुत सफल रहा। इन्हीं बातों के साथ कार्य समिति का बैठक संपन्न हुआ। अच्छा, आपका परिचय? मंगलानंद पाठक, जिला प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी और काराकाट विधानसभा।